हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. तो आज है 1 जनवरी 2020. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर इस साल बहुत अलग हुआ है मेरा, यहाँ से हुआ है. रात में तो हम लोग सब सो गए थे. अभी सुबह सुबह तैयार होकर आलू के पराठे मस्त खाकर तैयार है आज के दिन के लिए. आज क्या बोलते हैं कि जो प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो होने वाला है, मतलब बरसी का जो भी आज है वो होने वाला है. हम तैयार तो हो गए अच्छे से. ठंड काफ़ी है, निकल रहा है ना स्टीम मुँह से. ओके, बच्चे अभी तैयार नहीं हुए क्योंकि इतना सुबह उन्हें तैयार करके. जी हाँ, इसकी जो छोटी बहन है उसका आज बर्थडे है और ये सबको बुला बुला कर हैप्पी बर्थडे करवा रही है. आओ, आ गई है हमारी छोटी. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. गई भागी लाड़ में आ गई. धीरे, स्लोली स्लोली, इतना ज़्यादा लाड़ में आ गई. ओके, आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपका ये साल सबसे अच्छा जाए, यही मेरी भगवान के पास प्रार्थना रहेगी. तो टेंट वगैरह की तैयारी चल रही है, सब साफ हो रहा है, सब कुछ तैयारी चल रही है. सुबह के समय खाना बन रहा है और मिस्टर राज ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको. पूरे जितने दिन यहाँ पर रहेंगे वो ऐसे ही दिखेंगे. ठंडी इतनी है कि अगर ऐसे नहीं दिखेंगे तो फिर दिखेंगे नहीं. बहुत ज़्यादा ऐसे दिख तो रहे. और 11 बज रहा है, कोई बोलेगा ऐसे देख कर कि 11 बज रहा है? मतलब 11 से भी ज़्यादा हो रहा है. कितने बजे स्टार्ट होगा? आज दोपहर में खाना नहीं है, सीधा शाम को है ना, ऐसा ही है ना शेड्यूल. और बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, उनको देखना नहीं पड़ रहा है. सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखो अभी टैटू मेकिंग चालू है यहाँ पर. इस तरह से ये स्केच पेन से टैटू बनाया जा रहा है. मैं कौन सी टैटू बना? ये तीनों हाथ धो नहीं है क्योंकि बच्चों को इतना जल्दी हम नहीं गाइस हो गया. और उसने बता भी दिया आज मेरी बहन का बर्थडे है. वो देखो छोटी है, देखो कैसे ए ए करके टैटू बना रहे. नहीं लगते उसे. बच्चों को आराम से हम नहलाते हैं 1-2 बजे. अरे वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है हर चीज के लिए. और अम्मा देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पर आकर अम्मा आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी. ये देखिए अम्मा तक अच्छे से ओढ़ कर बैठी है. अम्मा देखो, अम्मा गहरे सोच में है. क्या सोच रहे हो? भगवान सोचल है कोई देना बीमारी है सभी बड़ी भाई गई है तकलीफ रहे लड़का सोची अब तो अपने बीमारी के बारे में सोची ले. समझ गए ना आप, ये तकलीफ इतनी ज्यादा है कि उसी को सोचने में ही समय चला जाता है. फट गए वो एक ये भी गई. नहीं वो नहीं. जाओ हर टीम में जाओ. जा खड़े हो जा. उनके जाने से टीम कम है क्या? अभी 30 अंदर अकेले रहेगी. अभी इधर से आ रहा हूं. खटिया कबड्डी कबड्डी बोलते हैं कबड्डी. हां बच्चों का सही है. गंदे बच्चे ठीक है नेचुरल. क्या बच्चे हमेशा तैयार है? अरे ये वो अकेले है सब. मम्मी तैयार हो गई तो ठीक है. बच्चे सुबह सुबह धो के करा.
तो बाहर तो बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है हर एक चीज़ की। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए रूम पर आ गई थी थोड़ा सा हीटर के सामने गर्म करने खुद के लिए। तो यहाँ पर ये है हमारा बेड, उस दिन रूम टूर बाकी था ना तो अभी थोड़ा सा दे देती हूँ। ये बेड है, इस पर मैंने पूरी तरह से रजाई बिछा कर रखी है जिससे बेड अच्छे से गर्म रहे। और यहाँ पर आपको कोई फर्नीचर नहीं दिखेगा क्योंकि कोई भी यहाँ पर रहता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फर्नीचर नहीं रखा। जो बेसिक चीज़ होती है किचन की या फिर जैसे हीटर वगैरह ये सब रखा है, बेसिक चीज़ें हैं। अलमारी तो इनबिल्ट है तो इसके अंदर सामान आ जाता है और सब लोग फिर यहाँ पर रेंट से सामान लेकर आते हैं, जैसे ये गद्दा रजाई वगैरह सब रेंटेड है जिससे क्या होता है कि काम हो जाने के बाद हम इन्हें दे देते हैं और इन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ता है ना ही आने के बाद, जैसे अभी अगले साल हम आएंगे तो ये धोना वगैरह नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब हर कमरे में कर रखे हैं और कमरे टोटल 7 कमरे हैं क्योंकि हम 5 बहुएँ हैं, 1 दीदी है, अम्मा है, तो 7 तो कमरे चाहिए, तो 7 कमरे हैं टोटल। उसमें से सारे कमरे इस बार यूज़ नहीं हो रहे, 3 कमरे हम 3 बहुओं ने लिए हैं और एक कमरे में ही छोटा वाला जो मेरा देवर है, ननद है, उनकी बिटिया है और अम्मा, सब लोग एक ही में है। नहीं मैं हूँ दीदी, मंदी बाहर बैठी है। हाँ जाइए आप। तो बस ऐसे सब चलते रहता है। अब चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैकेट्स निकाल कर रखे हैं, ये अनिका का है और ब्लैक वाला राज का है। जैसे ठंड कम ज़्यादा लगे तो ऊपर ही रहेगा जिससे निकालने में भी टाइम ना लगे और मैं तो पहन कर ही घूम रही हूँ क्योंकि ठंड है काफ़ी। अपने बेटा साथी भैया फोटो खींच रहे सब सब मेरे वीडियो में आ रहे हैं।
हाँ मैं इनकी मेहरारू अभी आ गई है, मुझे समझती भी है काफी। अभी चालू हुआ है। ओके तो पूजा हो चुकी है, सब कुछ सही से हो चुका है। नहीं आप सबसे अच्छा चमक रहे हो। हाय तो नेहा को तो सब जानते हैं, भाभी को भी सब जानते हैं अभी तो। तो बस हम लोग की पूजा भी हुई है, बताइए थोड़ा बहुत क्या अच्छा लगा पूजा के बारे में, क्या बोले। नहीं एक्चुअली पूजा से ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने सारे पहले हैप्पी न्यू ईयर को बोले नहीं, मुझे भी नहीं बोला, नहीं बोला है। हम चंदौली गए लाली, हाँ कैसे आया लाली ने कि भगवान प्रसाद। ये रुंदा की मम्मी है जिन्होंने हैप्पी न्यू ईयर बोला है। रुंदा की मम्मी अभी फेमस होनी चाहिए क्योंकि रुंदा ने इतना हाई गाइस कर दी है, तो रुंदा की मम्मी तो फेमस होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है, रुंदा को भी ब्लॉग चैनल खोलना चाहिए क्योंकि एक्टिव है, क्या एक्टिव है, छोटी है पर बहुत अच्छे से ब्लॉग अच्छा बना लेती है। हम लोग का तो उसने मोबाइल से बनाया है। चाची की असिस्टेंट बनेगी निश्चित, सचमुच के अंदर जो बनना ही चाहिए। वो तुम्हें भी देखना फिर एकदम हाई फाई बना देगी, तो भी फेल कर देगी। जितनी नई पैंट लगा ले ऐसे चले जाएंगे कुछ और तो अब मैं मिलाऊंगी यहाँ के मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से। हेलो, नाम बताओ। शिवांगी। और बताओ वीडियो देखते हो? हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी मेरी क्यूट सी आंटी जी मेरे को बहुत मिलाया था गाड़ी से मैंने। माई फेवरेट, थैंक यू। माई फेवरेट ब्लॉगर, थैंक यू। तो बहुत ब्यूटीफुल है। अब तुम लोग हट जाओ, चाकू से कट के मिलेगा। चलो हाँ।
बम कीड़ी दरवाजा बंद कर दिया तब मैंने सबको होश उड़ गया जब ताला बंद करने तो होश उड़ गया अंदर दरवाजा बंद कीड़ी बंद हम लोग खटखटाए पिंटुआ पिंटुआ राजा बम कीड़ी क्या दरवाजा बंद कर लिया ताला बम कीड़ी सिटकिनी को ताला बम कीड़ी अब अंदर से गेट खोली सिटकिनी फंसा के अंदर से बोला गया फिर निकाले कैसे दरवाजा के जो धरोखा होता था उसी से हम लोग डाले छड़सी छड़सी डाल के ऊपर छिटकी और ये कहा हम खोलबो ना हम लोग कहें बाबू खोल दे जब कहीं जब बाबू खोल दे तब कहे दाजा बंद ताला बंद दाजा बंद पिंटू की कहानी मनी होगी तो ये था मेरा आज का दिन जो कि काफ़ी 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 स्पेशल रहा मेरे लिए फर्स्ट जान सच्ची में पहले कभी ऐसा फैमिली के साथ नहीं गया था तो बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली विश कि एवरी ईयर हम लोग इसी तरह मिले और बहुत सारा टाइम स्पेंड करें एक साथ और बहुत हंसी मजाक मतलब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो सिर्फ 1% है और 99% इम्पॉसिबल है दिखाना आपको क्योंकि 24 घंटा तो व्लॉग नहीं करती उसमें से जो स्पेशल मोमेंट्स है उन्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ बट कुछ कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं कि आप हमेशा कैमरा ऑन नहीं रख सकते क्योंकि वो मोमेंट आपको भी इंजॉय करना रहता तो सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है और आई रियली विश कि हम हर साल इस तरह से सब लोग मिले और बहुत सारी मेमोरीज़ को याद करें और बहुत सारी मतलब आज का दिन सच्ची में बहुत ही प्यारा गया है मेरा बहुत प्यारा सोचना नहीं पड़ा कुछ भी कि आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए क्या करूं अपने आप ये इतना अच्छा बनता गया सुबह से ही और ठंड का कोहराम तो मचा हुआ है पर उसकी कोई भी प्रॉब्लम सच एज हुई नहीं बस स्मूथली ये दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया इस समय 10:30 बज रहे राज और राज के बाकी भाई और जो उनकी एक बहना है और अम्मा सब लोग बैठकर गप्पे कर रहे हैं मैं आ गई हूँ रूम पर क्योंकि मैंने सोचा अभी चेंज वगैरह कर लेती क्योंकि बाकी भाभी लोग चेंज वगैरह कर चुकी हूँ मैं ही नहीं की थी तो मैंने बोला मैं भी कर लेती हूँ इन लोगों को थोड़ा छोड़ देते हैं अपने गप्पे हाँकेंगे बचपन की यादें कुछ कम होती है क्या तो वही वो लोग मार रहे हैं तो बस आई रियली होप आपको ब्लॉग पसंद आया है आपने लाइक भी कर दिया होगा एंड आई थिंक आपका भी दिन बहुत अच्छा गया होगा डेफिनेटली गया होगा क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो भी गया आज के दिन टेंशन मत लीजिए अभी भी आपके पास 364 डेज है अभी भी जो काफ़ी होते हैं अपने पूरे साल को बेस्ट बनाने के लिए ठीक है चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड ये नया साल आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है यही मेरी आप सभी के लिए भगवान के पास प्रार्थना रहेगी बाय टेक केयर